स्वागत नहीं करोगे हमारा? नहीं। ओके, मैं ही कर देता हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम सभी का टायरो हब पर। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ का साइंस का चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बहुत मजेदार चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या टॉपिक क्या है अपना? केमिकल रिएक्शंस। ठीक, तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक या फिर एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, जिसकी जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब गुण, रंग, रूप, स्वभाव जो होता है, वो पहले वाले सब्सटेंस से बिल्कुल भी अलग होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। तुम्हें तो ऐसे समझ में आया नहीं होगा। क्या चाहिए अभी हमको? चाहिए एग्जाम्पल। कैसा एग्जाम्पल? देखो, तुम लोग क्या करो, पानी लो, इसमें थोड़ा सा चीनी डालो और बना दो शरबत। क्या बन गया? शरबत। अब जो क्या, ये जो शरबत है, ये शरबत है वो क्या, वो पानी से मिलता है? पानी और चीनी से बिल्कुल अलग है कि नहीं? पानी एक अलग है जिसमें बिल्कुल भी मिठास नहीं है, चीनी सॉलिड है, लेकिन ये मीठा भी है और लिक्विड भी है। ओके, मतलब इस दोनों से बिल्कुल भी अलग इसकी प्रॉपर्टी है शरबत की। तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें होती है, क्या होता है? एक होता है रिएक्टेंट्स और दूसरा होता है प्रोडक्ट्स। अब एक कौन सी राक्षस का नाम है? तो देखो, रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट यहाँ पर कौन किया? पानी और चीनी, यही तो मिलकर इसको प्रोड्यूस किया शरबत को। तो ये हो जाएंगे रिएक्टेंट्स। और जो बन रहा है रिएक्शन के बाद वो होगा शरबत, यानी कि प्रोडक्ट। वो क्या होगा? प्रोडक्ट होगा जो केमिकल रिएक्शन के बाद हमें ऑब्टेंड होता है, वो होता है प्रोडक्ट। ओके, ये तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो तुम्हें तीर का निशान दिखाई दे रहा है, ये हर केमिकल रिएक्शन में तुम्हें देखने को मिल जाएगा। उसके जो लेफ्ट साइड में होगा LHS में जो होगा वो होगा रिएक्टेंट्स, और RHS में होगा, यानी कि दाहिने हाथ के तरफ, वो होगा शरबत, यानी कि प्रोडक्ट। ठीक, इतना अब तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। अब नहीं आएगा तो तुम दिमाग का टेस्टिंग कराओ, टेस्टिंग। अब इसको समझने के बाद अब क्या आता है कि केमिकल रिएक्शन को कैसे तुम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो? क्या बोल दिया कि इसको तुम लोग कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एक तो जैसे हमने किया दूध, चीनी, पानी, शरबत, ऐसे तुम लोग रिप्रेजेंट करोगे। और दूसरा किस तरीके से करोगे? और दूसरा तुम लोग करोगे, दूसरा कैसे करोगे? तो दूसरा करोगे उसका सिंबल बनाकर। पहला हम लोग देखते हैं, पहला होता है वर्ड इक्वेशन। ये क्या होता है? इसमें जितने केमिकल रिएक्शन में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, रिएक्टेंट्स हैं, उन सब का नाम लिखकर हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे कि देखो, पता है तुम सबको पानी कैसे बनता है? H2O से बनता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनता है तुम्हारा वाटर, ये हम लोग लिखेंगे। ठीक, तो ये देखो कि कितना लंबा खींच रहा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, ये है तुम्हारा वर्ड इक्वेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। साइंटिस्ट भैया के पास इतना टाइम नहीं होता है, तुम्हारे जैसा खाली टाइम नहीं होता है कि वो बैठकर इतना लंबा लंबा लिखे। ठीक, तो उनके लिए वो लोग खुद से अपना निकाले केमिकल इक्वेशन। अब ये क्या है? तो केमिकल रिएक्शन में जितने भी जो चीज़ें हैं, पानी, शरबत, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है, उन सबको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक, इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या होता है? H2 होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2 होता है। ठीक, प्लस में यहाँ पर प्लस होगा। और क्या बनेगा? वाटर का क्या होता है? H2O होता है। ये हो गया केमिकल इक्वेशन और ये हो गया वर्ड इक्वेशन। तो आई होप कि ये तुम दोनों को समझ में आया होगा, मतलब ये दोनों तुमको समझ में आया होगा। ठीक, दो के साथ तो नहीं न पढ़ रहे हो, ये दोनों तुमको समझ में आए होंगे। अब इसके बाद से हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग सीख लेते हैं थोड़ा सा कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक, तो केमिकल इक्वेशन को भैया बैलेंस करने में तुम दो चीज़ को याद रखो। क्या याद रखो? 9 क्लास में जो तुम पढ़े हो उसको तो तुम अभी तक भूल कर रामायण उस पर लिख रहे होगे।
ठीक, क्या है उसमें दो चीज हमने क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी रिएक्टेंट साइड में है, रिएक्टेंट साइड में जो भी चीज़ें हैं उस सब का हमेशा मास जो होगा, मास वो हमेशा बराबर होगा, प्रोडक्ट साइड में भी उतना ही होगा और रिएक्टेंट साइड में भी उतना ही होगा, मतलब दोनों तरफ उसका मास हमेशा बराबर रहेगा। अब एग्जांपल के तौर पर समझो, कैसे, पानी उठाओ, पानी उठाओ, चीनी उठाओ, पानी उठाओ, चीनी उठाओ, फिर से शरबत बनाओ, शरबत बनाओ। तो जितना यहाँ पर अगर तुम लोग 300 ग्राम चीनी डाल रहे हो तो इधर भी शरबत में तुम्हारा 300 ग्राम चीनी होगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर तुम लोग इधर आधा लीटर पानी डाल रहे हो तो इधर तुम्हारा शरबत में भी आधा लीटर पानी होगा। ठीक, आई होप कि तुम्हें बात समझ में आ रही होगी। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो तुम लोग इसको हमेशा याद रखना। ठीक, अब इसको याद रखने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को तुम लोग बैलेंस कैसे कर सकते हो। तो बैलेंस, ठीक, तो हमने समझ लिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब एक चीज इसमें और याद रखो, तब हम लोग केमी और जान लो, उसके बाद से हम लोग बैलेंस करना तो सीख ही जाएंगे। देखो क्या देखना है इसमें कि रिएक्टेंट्स साइड में जितने भी तुम्हारे केमिकल्स होंगे उनका जो एटम होगा ना वो हमेशा प्रोडक्ट साइड के केमिकल्स के बराबर होगा, केमिकल्स के बराबर होगा। कैसे, नहीं समझ में आया? देखो अगर हम लोग H2 एक एग्जांपल लेते हैं, O2 प्लस 2H2 प्लस यहाँ पर लिखो 2H2। ठीक, एकदम मस्त एग्जांपल है। यहाँ पर देखो, इधर है 2 × 2 यानी कि 4 हाइड्रोजन, तो इधर भी 4 ही हाइड्रोजन होगा। इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी 2 ही ऑक्सीजन होगा। ठीक, ऑक्सीजन का O2 होता है, इधर भी O2, मतलब 2 ऑक्सीजन के एटम है तो इधर भी दोनों तरफ दो एटम होंगे, दोनों तरफ 4-4 एटम होंगे। मतलब इधर जितना किसी भी एक एलिमेंट्स का या फिर गैस का या फिर केमिकल का इधर जितना एटम होगा इधर उतना ही एटम उसका होगा, इधर जितना एटम होगा उसका इतना एटम इधर भी होगा। मतलब कि एटम्स इन रिएक्टेंट साइड इक्वल्स टू एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। ठीक, अब बैलेंस करना देखो। अब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लो। क्या एग्जांपल ले लो, इधर ले लो H2 यानी कि हाइड्रोजन, इधर ले लो O2 यानी कि ऑक्सीजन, और इधर ले लो H2O। ठीक, अभी क्या, इधर देखो, इधर 2 है हाइड्रोजन का एटम, इधर 2 है, मतलब ये दोनों तो भैया खुश है। ठीक, ये दोनों खुश है, लेकिन इधर 2 ऑक्सीजन है और इधर तो एक ही ऑक्सीजन है, ये क्या है, ये दुखी है। अब एक खुश एक दुखी, अच्छा बात तो है नहीं भैया, दोनों को खुश करना पड़ेगा। दोनों को खुश करने के लिए इधर भी 2 चाहिए ना, इधर भी 2 ऑक्सीजन चाहिए। इसको खुश करते हैं, खुश करने के लिए सबसे पहले इसके आगे में बक्सा बना लो। क्या बना लो, बक्सा बना लो, मिठाई का बक्सा। इन सबको मिठाई देना है तब ये जाकर खुश होंगे। ठीक, इन सबको अब क्या देना है, मिठाई देना है। मिठाई देने के लिए यहाँ पर देखो, इधर 1 है ऑक्सीजन, इधर है 2, तो इसके आगे 2 लगा लो। हमेशा एक बात याद रखना कि इसको नहीं छेड़ना है, ये इसके हाथ पाँव है। ये जो नीचे में लिखा है 2, 3, 4, 5 जो भी लिखा रहेगा ये सब इसके हाथ पाँव है। इसको काटोगे तो इसको दर्द होगा, ये तुम्हें काट लेगा, मतलब तुम्हारा नंबर काट लेगा। ठीक, तो इसके नीचे वाले को नहीं छेड़ना है, इधर भी इसके नीचे वाले को नहीं छेड़ना है। तुमको कुछ भी करना हो तो बक्सा बनाकर उसके आगे में करना है, या फिर बक्सा नहीं बनाना फिर भी उसके आगे में ही करना, जैसे कि H2 ऐसे आगे में लिखना। यहाँ पर नहीं सोचना कि इसको 2 को काट कर इधर 3 कर देते हैं, 4 कर देते हैं, ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारा काट लेगा नंबर। ओके, अब देखो बैलेंस करना। इधर है क्या, 1 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन था, इधर 1 ऑक्सीजन, हमने आगे में 2 लगाकर इधर भी 2 ऑक्सीजन कर लिया, इधर भी 2 ऑक्सीजन कर लिया। अब ऑक्सीजन हो गया खुश, लेकिन इधर हो गया 2 हाइड्रोजन और इधर हो गया 2 × 2 = 4, इधर हो गया 4 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को बोला कि भैया ये तो मेरे साथ ना इंसाफी है, ये हो गया दुखी। अब कोट को, इसको भी
क्या करना पड़ेगा, इसको भी तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, इसको भी तो खुश करना पड़ेगा। तो इसको खुश करने के लिए हमने इसके आगे भी दो लगा दिया कि ले भाई दो, तू भी दो डब्बा मिठाई खा ले। तो दो दुनी चार, इधर भी हो गया चार हाइड्रोजन, इधर हो गया दो ऑक्सीजन, और इधर देखो दो दुनी चार, इधर भी हो गया चार, और दो दुनी दो एकम दो, यानी कि दो, इधर भी हाइड्रोजन चार, इधर ऑक्सीजन दो, इधर ऑक्सीजन दो, ये भी खुश, सब अब कोई खुश, अब हो ये दुखी वाला काम खत्म, दोनों खुश, अब हो गया हैप्पी फैमिली। क्या हो गया? हैप्पी फैमिली, यानी कि केमिकल रिएक्शन तुम्हारा बैलेंस हो गया, केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। इधर भी सेम, इधर भी सेम, इसका भी इधर सेम, इसका भी इधर एटम सेम। तो इस तरीके से बैलेंस किया जाता है। सबसे पहले बक्सा बना लो, उसके बाद से देखो सबसे कम किसका है इधर, उसको बैलेंस करना शुरू करो। इधर ऑक्सीजन कम था, इधर ऑक्सीजन एक था, इधर दो था, तो हमने इसके आगे में दो लगा दिया, तो ये भी दो हो गया, बराबर हो गया। फिर हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, फिर हमने यहाँ पर दो लगाकर हाइड्रोजन को बैलेंस किया। तो इस तरीके से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन के कुछ प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, कॉम्बिनेशन से आप समझ रहे होंगे झोल झाल मिलजुल, यानी कि इसमें कुछ लोचा होगा। ओके, ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कि एक ही प्रोडक्ट बनता है, लेकिन रिएक्टेंट्स एक या फिर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। एक रिएक्टेंट से तो कुछ बनता नहीं है, दो या फिर दो से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे अपना वही इस पर सबसे अच्छा सूट करेगा, पानी चीनी, पानी चीनी बना तुम्हारा शरबत, शरबत। तो पानी और चीनी मिलकर क्या हुए, कंबाइन होकर बनाए शरबत। तो इसमें दो दो चीज़ जैसे बन रहा है एक चीज़, तो ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको समझ में आया? डिफिनेशन भी सुनोगे क्या? सुन लो, अपन को याद है। सच ए रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे प्यार से कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एक और एग्जांपल देख लो, दो दो रिएक्टेंट्स वाले तो एग्जांपल देख लिए ना, अब दो से अधिक देखो। दूध लो, दूध प्लस चीनी, चीनी प्लस चाय पत्ती, चाय पत्ती तुम्हारा बनेगा चाय। दो या फिर दो से अधिक, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स मिलकर एक ही प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब इसमें दो या फिर दो से अधिक रिएक्टेंट्स कंबाइन करकर एक प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब केमिकल वाला कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपके NCERT में दिया गया है। क्या दिया गया है? CaO क्विक लाइम प्लस H2O। ओके, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा तुम्हारा? CaOH2 और प्लस इसमें से गर्मी इसकी बाहर हो जाएगी, क्योंकि पैसा खत्म हो जाएगा, गर्मी बाहर आ जाएगी। कैल्शियम ऑक्साइड, पानी मिलकर तुम्हारा बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इससे हीट रिलीज हो गई। ठीक, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, दो रिएक्टेंट से एक बना रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट ना है। ये तो तुम्हारा हीट है, ये तो गर्मी है, मतलब ये गर्म है, वो ख़त्म हो रहा है, इसको नहीं, ये तुम्हारा कुछ बना नहीं ना, ये तो सिर्फ हीट है। तो यहाँ पर दो या फिर दो से अधिक चीज़ें मिलकर अगर एक प्रोडक्ट को बनाती है तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अब देखते हैं दूसरा क्या है, दूसरा क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब कि डिकम्पोज मतलब टूटना, तो वैसे रिएक्टेंट्स वैसे रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें एक रिएक्टेंट्स बहुत सारे प्रोडक्ट में टूट जाए। क्या? देखो एक देसी एग्जांपल, फिर एक साइंस के एग्जांपल। देसी एग्जांपल, तुम्हारे पास दूध है, दूध को क्या करो, फाड़ दो, क्या निकलेगा? छाछ निकलेगा, इसमें से मक्खन निकलेगा, मक्खन निकलेगा, पनीर निकलेगा। रिएक्टेंट्स तो एक ही था, लेकिन प्रोडक्ट्स एक से दो से ज़्यादा आ रहे हैं, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वैसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिफिनेशन सुन लो, सच अ रिएक्शन, सच सोचना नहीं, लिख रहे हैं ऐसे ही, ऐसे घुमा रहे हैं, सुनकर याद करो, मेमोरी कैपेसिटी बढ़ाओ। सच रिएक्शन
इन विच सिंगल रिएक्टेंट्स फॉर्म और ब्रोक इन टू और मोर प्रोडक्ट्स तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं मक्खी तुभाग, उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देसी एग्जांपल समझने के बाद अब हम लोग क्या समझते हैं, एक प्यारा सा साइंस के एग्जांपल। ओके, तो अब एफ ई एस ओ सुनने के लिए तैयार हो जाओ, फलाना ठिकलाना जो भी नाम है। ठीक, तो सबसे पहला है क्या है कि 2FeSO4, अरे इतना दूर कैसे लिखा गया यार, सॉरी भाई, बहुत दूर हो गया। 2FeSO4 फेरस सल्फेट को जब अपन लोग गर्म करेंगे, यानी कि तवा पर रखेंगे, मतलब सिर्फ गर्म करेंगे, तो वो टूटेगा। किस में टूटेगा? फेरिक ऑक्साइड में प्लस। और किस में टूटेगा? सल्फर डाइऑक्साइड में टूटेगा। और किस में टूटेगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटेगा। एक चीज तुम्हारा तीन चीजों में टूटा, एक रिएक्टेंट्स तुम्हारा तीन रिएक्टेंट्स में टूटा, तो ये होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें टूट रहा हो। हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बाप रे ये तो बहुत खतरनाक वाला रिएक्शन है भैया, मजा आ जाएगा भैया पढ़कर इसको, बात मानो। एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें आयंस का एक्सचेंज, देखो एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें जो ज़्यादा ताकतवर होता है ना, जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो अपने से कमजोर को भगा देता है। ठीक, सिंपल तरीके से समझो। अब एक एग्जांपल लेते हैं, क्या एग्जांपल लेते हैं इसका, बहुत ही आसान सा। आयरन प्लस CuSO4 कॉपर सल्फाइड, इसको थोड़ा सा हटाओ बस। अब क्या है, FeSO4 प्लस Cu, देखो मजे से समझो इसको, एकदम मजा से दिल खोल कर सुनो। यहाँ पर था फेरिक, अकेले बैठा था बेचारा, यहाँ पर कॉपर और सल्फेट मिलकर पार्क में गुटरगु कर रहे थे। फेरिक दूर से देख रहा था, आयरन दूर से देख रहा था, कॉपर से था ये मजबूत, जिम उम करता था, बॉडी सोडी बना कर रखा था। आया कॉपर को मारा, कॉपर को मारकर भगा दिया और अपने बैठ गया SO4 के साथ बैठकर अपने गुटरगु करने लगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आया बड़ियार वाला आया, जो ज़्यादा ताकतवर था, मतलब हाईली रिएक्टिव वाला आया मारकर भगा दिया किसको, लेस रिएक्टिव को मारकर भगा दिया। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ठीक, जिसमें जो हाईली रिएक्टिव होते हैं वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं, तो उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका क्या सुनोगे, अभी तुम लोगों का सुनने का मन कर रहा होगा, क्या सुनने का मन कर रहा होगा, इसका सुनने का मन कर रहा होगा तुम्हें डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन सुनो, लिखे क्या, चलो, रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस एनदर एलिमेंट। ठीक, यहाँ पर तुम लोग वन के जगह सिंपली लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस, और यहाँ पर तुम लोग एनोदर के जगह पर तुम लोग लिख सकते हो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। सच रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम लोग एग्जाम्पल भी देख लिए, डिफिनीशन भी देख लिए, समझ लिए, देसी एग्जाम्पल भी देख लिए। अब इंतजार किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट देखने का। तो चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट के तरफ अपने शुभ चरणों को बढ़ाते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते हैं। देखो पिछले रिएक्शन में हमने कुछ देखा था, शायद आपको याद होगा तो मज़ा आ जाएगा और नहीं याद होगा तो फिर से याद कराएंगे। डिस्प्लेसमेंट में हमने देखा था कि जो ज़्यादा ताकतवर था, हाईली रिएक्टिव, अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को मारकर भगा देता था, अपने आकर बैठ जाता था। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में कुछ और है, एक कमज़ोर हो और एक ताकतवर हो तो ताकतवर तो कमज़ोर को भगा देगा, ठीक। लेकिन अगर दोनों ताकतवर हो कि आ बेटा तुम्हें तो देख ही लेंगे, वो भी दोनों जिम जाते हो, तो क्या होगा, तो वहाँ पर होगा डबल डिस्प्लेसमेंट। अब एग्जाम्पल देखो, क्या एग्जाम्पल देखो डबल डिस्प्लेसमेंट का। एक एग्जाम्पल लेते हैं, Na2SO4 प्लस BaCl2 प्लस Ba, अरे यहाँ पर सॉरी राजा, यहाँ पर तीर होगा, BaSO4 प्लस 2NaCl। यहाँ पर देखो Na2SO4 अपना दोनों बैठकर बात कर रहे थे दोनों दोस्त, यहाँ पर BaCl ये दोनों दोस्त अपना बात कर रहे थे। अब दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है, लफड़ा होता है, यहाँ पर क्या होता है कि Na2 आता है और BaCl से, BaCl बात कर रहे हैं तो यहाँ से क्लोराइड को अपने साथ मिला लेता है, चल भाई तू मेरे साथ मिल जा, ठीक। Ba दिखता है, बेरियम ये दिखता है, अब ये सोचता है कि चल क्लोराइड से छुटकारा मिला यार, अब दूसरे की तरफ बढ़ने दे। बेरियम आता है, इसका SO4 उठा लेता है और दोनों सेटल हो जाते हैं, इधर BaSO4 और इधर NaCl, मतलब अगर ये इसका लेगा तो ये भी इसका लेगा, ठीक। तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब तुम्हें तो क्या चाहिए, तुम्हें इसका चाहिए डेफिनेशन, डेफिनेशन तुम्हें चाहिए, तो इसको कर तो साफ। अब इसका डेफिनेशन लिखो, क्या लिखो, सच अ रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप कि तुम्हें डबल डिस्प्लेसमेंट समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार और समझा दे क्या, चल समझा देते हैं यार क्या जाता है यहाँ पर, कहाँ पर समझा है? इसको मिटा दिया जाए थोड़ा सा, बस इतना ही काफ़ी है। यहाँ पर देखो Na2SO4, इस बार थोड़ा सा अमेजिंग तरीके से BaCl2 क्या बना रहा है, BaSO4 प्लस 2NaCl। अब देखो ये मान लो तुम हो, ये तुम्हारा लंच है, ये तुम्हारा दोस्त है और ये तुम्हारे दोस्त का लंच है। तुमने क्या किया, अपने दोस्त का लंच छीन लिया और इधर बैठकर खाने लगे, ठीक। तुम्हारा दोस्त भी कम चालू नहीं था, उसने अपना लंच छोड़ दिया और देखा तुम्हारा लंच अच्छा है तो तुम्हारा लंच छोड़ दिया। अब तुम भी खुश अपने दोस्त का लंच खाकर, तुम्हारा दोस्त भी खुश तुम्हारा लंच खाकर, मतलब कि अगर तुम इसका लंच ले रहे हो तो ये भी तुम्हारा ले रहा है, ओके। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट हो, एक तो ये सोडियम क्लोराइड को ले रहा है और एक बार ये बेरियम सल्फेट को ले रहा है, ठीक, सल्फेट को अपने साथ मिला रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट होते हैं, ठीक। आई होप कि ये तुम्हें समझ में आया होगा। हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये तुम्हारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बाद पढ़ना है, ठीक। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, सबसे पहले रिडक्शन को मिटा फिर ऑक्सीडेशन समझो। यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्या होता है, क्या है, ऑक्सीडेशन
यही नहीं लिखा है कि कुछ और भी लिखा है तुम्हारे बुक में, चेक करो, यही लिखा है। तो ऑक्सीडेशन टर्म बना कैसे है? सबसे पहले बना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लस एडिशन से, ऑक्सीजन प्लस एडिशन से। यहाँ से हमने क्या किया कि ऑक्स उठा लिया, बैल उठा लिया, और इधर से डिशन उठा लिया, तो बन गया ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। तो वैसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन एड हो रहा है कहीं पर, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। प्रोसेस कैसा, देखो केमिकल रिएक्शन वाला ही ये भी है। यहाँ पर देखो, मान लो कि दो गो कॉपर लो और ऑक्सीजन लो, इसको अगर हम लोग हीट करते हैं, हीट करते हैं तो क्या बनता है, 2CeO। ये कॉपर था, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने हीट किया, बन गया कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर कॉपर में कोई ऑक्सीजन नहीं था, हमने खुली एयर में रखा था जहाँ से ऑक्सीजन गेन किया है, ठीक, खुली एयर में रखा था, ऑक्सीजन गेन किया है कॉपर, कॉपर में तो पहले ऑक्सीजन था नहीं, अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर ये कॉपर ऑक्साइड बना लिया। क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन का गेन होता है, ऑक्सीजन का गेन होता है, या फिर अगर ऑक्सीजन का गेन नहीं होगा तो हाइड्रोजन का लूज होता है, हाइड्रोजन का लूजिंग होता है, ठीक। तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। अब इसके बाद है रिडक्शन, रिडक्शन। अब ऑक्सीएडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, तो रिडक्शन, रिडक्शन। यहाँ पर रिड्यूस, ये रिड्यूस का इतना टर्म है, मतलब घट रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन घटता है, क्या होता है, ऑक्सीजन घटता है। देखो कॉपर ऑक्साइड को अगर हम लोग हाइड्रोजन के साथ मिलाकर हीट करेंगे तो वहाँ से ऑक्साइड हट जाएगा और ये हाइड्रोजन के साथ पानी बन जाएगा, ठीक। यहाँ से ऑक्सीजन था पहले रिएक्टेंट साइड में, लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, मतलब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, ऑक्सीजन लूज कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन, ठीक, रिडक्शन। अब इसको समझने के बाद, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने के बाद, एक नया रिएक्शन आता है जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने के बाद क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। इसको भी तोड़ा जाए कैसे, ताकि हमको रिडॉक्स समझ में आए। यहाँ पर है तुम्हारा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। तो यहाँ पर देखो, रेड आ गया तुम्हारा रिडक्शन से और ऑक्स आ गया तुम्हारा ऑक्सीजन से, तो बन गया रिडॉक्स रिएक्शन। कहने का क्या मतलब है, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कि एक सब्सटेंस तुम्हारा ऑक्सीजन को गेन करे और वह उसी रिएक्शन में दूसरा जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन को लूज करे, क्या क्या एग्जाम्पल देखो, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तुमने हीट किया इसको, क्या किया, हीट किया, हीट करने के बाद बना कॉपर प्लस वाटर, ठीक। यहाँ पर देखो कॉपर का, कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। लेकिन वहीं पर, यहाँ पर नीचे में देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन मिल रहा है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो, क्या हो, ऑक्सीडाइज्ड हो, और दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो, दूसरा सब्सटेंस तुम्हारा रिड्यूस्ड हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कहाँ तो मिटक गया, उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एक इसका प्यारा नाम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इतना बड़ा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इससे ऐसा तुम लोग याद रखो रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक। तो अब हम लोग टॉपिक को बस ख़त्म ही करने वाले हैं, एक चीज़ और है, कोरोजन और रेंसिडिटी, इसको अभी समझ लेते हैं। कोरोजन एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं,
क्या, सबसे पहले कोरोजन लिखो, CORROSION, कोरोजन। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी मेटल को जब हम लोग खुले में कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो उस पर क्या होता है, मॉइस्चर और एसिड अटैक करते हैं। ठीक, एसिड अटैक करते हैं, तो इसके बाद जब ये सब अटैक करते हैं ना तो मेटल जो होता है वो ख़राब होने लगता है, यानी कि बोले तो इंग्लिश में कोरोड करने लगता है। तो इस कोरोड करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन, यानी कि जंग लगना, ये भी कोरोजन है। मतलब मेटल का ख़राब होने के प्रोसेस को कोरोजन बोला जाता है। सीधा से कहने का मतलब है, समझ लो, ज़्यादा दिमाग को खोपचा में नहीं डालो यार। ब्लैक अपना व्हाइट बोर्ड, पीला बोर्ड एकदम काला बोर्ड हो गया है। अब कोरोजन के इफेक्ट को देखो, इससे क्या होता है ना कि इससे हमारे जो आयरन है, जो तुम्हारे खिड़की में रड वगैरह लगा हुआ है, उसमें क्या होता है, जंग पकड़ लेता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तुम्हारी मम्मी अगर पायल पहनती होगी तो उनका पायल 2-3 साल के बाद देखना तो उस पर ब्लैक कलर का आ जाता है, ब्लैक कोटिंग आ जाता है। किस पर, चांदी के पायल, चांदी पर, सिर्फ चांदी पर। ठीक, तो ये दो हो गए तुम्हारे कोरोजन के एग्जाम्पल इफेक्ट। ठीक, इससे आयरन खराब हो जाता है, सिल्वर की चमक चली जाती है, ऐसे ऐसे कांड होते हैं कोरोजन में। अब भैया इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, इसको तुम लोग प्रिवेंट कर सकते हो। अगर तुम्हारा रॉड वगैरह है, आयरन है, तो उसको तुम लोग क्या करा सकते हो, पेंट करवा सकते हो। इसीलिए रॉड वगैरह पर, गेट पर हमेशा पेंटिंग लगी हुई होती है, वो पेंट कलर, वो हाथी मुंह वाला नहीं, शेर चीता भालू वाला नहीं, पेंटिंग उसको लगाया जाता है ताकि इस पर जंग नहीं पकड़े। ठीक, पायल पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है, सिल्वर पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है ताकि जंग नहीं पकड़े, कोरोजन नहीं हो, कोरोजन को बचाया जाता है। अब लास्ट टॉपिक है तुम्हारे चैप्टर का, रेंसिडिटी। देखो ये है तुम्हारे कुरकुरे चिप से रिलेटेड। जब वैसे सब्सटेंस को जो कि ऑयल से बने हुए हैं, ऑयल से और इसमें फैट्स प्रेजेंट है, बस इतना ही काफ़ी है, ऐसे सब्सटेंस जो कि ऑयल से बने हुए हैं और उसमें फैट्स प्रेजेंट है, तो उसको अगर तुम लोग कुछ देर के लिए छोड़ दोगे तो ऑक्सीडाइज्ड होने लगेगा और ऑक्सीडाइज्ड होकर जब इसमें ऑक्सीजन ऐड होने लगेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, जिससे ये ख़राब हो जाएगा। तो हम लोग इसको बोलेंगे फूड रेंसिड हो गया, यानी कि बासी हो गया। अब इस बासी होने के प्रोसेस को ही बोला जाता है रेंसिडिटी। क्या बोला जाता है, रेंसिडिटी। अब क्या रेंसिडिटी, अब रेंसिडिटी हो गई है, हमें पता कैसे चलेगा अगर चिप्स हम लोग खा रहे हैं वो उसमें रेंसिडिटी हुआ है कि नहीं, बासी हुआ है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, उसका जो टेस्ट होगा वो ख़राब हो जाएगा, बोलते हैं ना बिहार में मेहरा जाएगा, ठीक ऐसे हो जाएगा, और उसका जो स्मेल होगा एकदम बदबू देने लगेगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि रेंसिड हुआ है, कुछ ना कुछ झोल झाल है। अब इसको बचाया कैसे जाए ताकि जो हम लोग नमकीन तला भुना सब खरीदे हैं ये सब बच जाए, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स मिला देंगे। पहला तो काम ये होगा, दूसरा काम इसके ऊपर होगा, क्या होगा, इसमें हम लोग एयर टाइट कंटेनर में अपने चीज़ों को रखेंगे जहाँ पर ऑक्सीजन आसानी से बार बार अटैक नहीं कर सके, एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। तीसरा, जो कि हमारे चाचा लोग यानी कि चिप्स वगैरह के फैक्ट्री में यूज किया जाता है कि जिस पैकेट में रखो चिप्स को उसको पूरा नाइट्रोजन के साथ फिल कर दो, जिससे एंटीऑक्सीडेंट का वो भी काम करेगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखो, जब तुम लोग नाइट्रोजन से पैक कर दोगे तो फिर जब तुम बहुत देर तक एक ही चीज़ को खाओगे ना, बहुत ज़्यादा उसका सेवन कर लोगे, तो तुम्हारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें इतना बड़ा एक छेदा हो जाएगा, ठीक, जो कि तुम्हारे इसका कारण बनेगा। ठीक, तो इसलिए चिप्स वगैरह खाने से बचो, रेंसिडिटी समझो, समझ के चैप्टर तुम्हारा समझ कर क्लियर हो गया। आई थिंक इसमें कुछ तुम्हारा बचा नहीं है, जितना तुम्हारे बुक में है वो सब हमने बता दिया है, रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो अगर तुम्हें ये अच्छा लगा, तुम्हें समझ में आया, एक बार रिकैप कर लो, हमने सबसे पहले देखा केमिकल रिएक्शन को देखा, फिर हम लोगों ने
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखें, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमने देखा, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में समझा, कोरोजन समझा, फिर एक टर्म आया था बीच में कहीं पर आया था ऑक्सीडेशन समझा था हम लोगों ने, ऑक्सीडेशन, फिर हमने रिडक्शन समझा था, मतलब ये सब चीज़ें हम लोगों ने समझ लिया है। तो आई थिंक ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब हमें दो क्या दो विदाई दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि अमेजिंग चैप्टर्स आपको मिलते रहे, और घंटा दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।